गुड मॉर्निंग इंडिया। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं यहां पर इंग्लिश के लिए, इससे पहले इंग्लिश का, आज हम इंग्लिश का फर्स्ट जो लेसन है, फर्स्ट लेक्चर ले रहे हैं। इससे पहले हमने एक लेक्चर आपको दे चुके हैं, हाउ टू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश, यानी इंग्लिश आपको कैसे सीखना है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। उसके बारे में एक स्ट्रेटजी हमने बताई थी, उस स्ट्रेटजी को सबसे पहले पढ़िएगा, उसको पहले देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को आप लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पे मैं स्ट्रेटजी में आपको चीज बता दूं कि हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को इंग्लिश को सीखने के लिए देर आर थ्री स्टेप्स। फर्स्ट है आपका, हमने लिया है वोकैब, किससे संबंधित लिखा है, वोकैब से। सेकंड फॉर ग्रामर, ठीक है, किससे संबंधित, ग्रामर से। एंड थर्ड फॉर रीडिंग स्किल। सबसे पहले क्या है, वोकैब। वोकैब का मतलब होता है आपकी शब्दावली, शब्दकोश में जो जो चीजें हैं उनसे संबंधित चीजें हमने ली है, ठीक है। तो वोकैबुलरी मतलब होता है शब्दकोश, शब्दकोश में हमारे पास कई सारी चीजें हैं, पॉज, वोकैब, ग्रामर और रीडिंग स्किल, पठन कौशल। इन तीन भागों में हम बढ़ेंगे, आज हम इसमें पहले भाग में चल रहे हैं, वोकैब। वोकैब को भी हमने तीन भागों में बांटा था। सबसे पहले थी हमारे पास कोई भी वर्ड होगा, उस वर्ड के मीनिंग को हम यहां पे दर्शाएंगे, जिस प्रकार से एक वर्ड है उस वर्ड के पूरा मीनिंग है, उसके एंटोनिम्स है, उसके सिनोनिम्स है, उसका यूज है, ठीक है। और उसी प्रकार से यहां पर आपके पास जो चीजें रहेगी वो क्या रहेगी, वोकैब के बाद, वोकैब में यहां पे एक वर्ड रहेगा, उसके बाद आपके पास या तो फ्रेज, इडियम, या फिर कोई फ्रेजल वर्ब, या फिर वर्ब, और उसके बाद तीसरा रहेगा आपके पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वोकैब के सबसे पहले पार्ट में नाउ वी हैव टेकन थ्री वर्ड्स, यहां पे आपने तीन शब्द लिए हैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिए हैं, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहां पर आज हम डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस नाउ थ्री वर्ड्स, ठीक है, और थ्री वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। इन वीडियो को आप, इन लेक्चर को पूरी तरह से देखिएगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि ये चीजें जो है हमारे जहन में, हमारे दिमाग में होना चाहिए। जब हमारे पास इंग्लिश का कोई पेपर आता है तो वोकैब हमारे पास पूरी तरह से होना चाहिए। आप पूरे मार्केट में देख लो, यूट्यूब पे भर के देख लो, रोजाना वोकैब आती है, सब कुछ आती है, रोज आपके पास 10 वोकैब इकट्ठी हो जाती है, पर सबसे इंपॉर्टेंट होती है उनका रिविजन। तो वी विल ट्राई कि हम हमारी चीजों को, पुरानी चीजों को ऑलवेज रिविजन करेंगे, हम टेस्ट लेंगे, जिससे वो चीजें आपके लिए स्ट्रॉन्ग बन जाए। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट वर्ड है ल्योर, इसको बोलते हैं ल्योर, क्या बोलते हैं ल्योर, आपका मुंह का जो कहते हैं ल्योर, है ना, ल्योर। इन फॉर्म ऑफ नाउन, नाउन का मतलब होता है संज्ञा, संज्ञा क्या होती है, द नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को जो भी होते हैं उसको बोलते हैं संज्ञा। तो ल्योर एक संज्ञा के रूप में, ठीक है, इस संज्ञा के रूप में यहां पर इसका मीनिंग लिखा हुआ, समथिंग दैट टेम्प्ट्स, कोई चीज जो आपको लालच देती है, आपको ललचाती है, आपको उसको काम को करने के प्रति आपको खींचती है कि ये मैं करूं काम, कहीं ना कहीं आपको फंसाती है। ल्योर का मतलब यहां पर नेगेटिव सेंस में, ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं, पॉजिटिव सेंस में नहीं, लालचा करना, लालसा करना और लालच करना दोनों में अंतर है। तो यहां पर लालच के संबंध है, समथिंग दैट टेम्प्ट्स, जो आपको क्या करती है, खींचती है। ए बेट, बेट का मतलब क्या होता है, बेट अगर आप इंग्लिश में डिक्शनरी में देखेंगे तो बेट एक ऐसा कोई चीज होती है, अब चीज कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हम चूहे को पकड़ने के लिए मूंगफली का दाना अगर उसके उसमें लगा देते हैं तो चूहा क्या करता है, उस मूंगफली के दाने को खाता है, जब उस मूंगफली के दाने को खाने आता है तो वो पिंजरा गिर जाता है, ठीक है। बंदरों को पकड़ने के लिए हम आलू लगते हैं, ठीक है, वो आलू हाथ में भरता है और उसके बाद वो मुट्ठी खोल ही नहीं पाता है, उस लालच में वो फंस जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो बेट मतलब होता है किसी भी जानवर को
फंसाने के लिए जो चीज इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोल बोलते हैं बेट। अब कुछ भी हो सकता है, इंसानों को फंसाने का एक ही काम है पैसा। इंसानों को कौन फंसा सकता है? पैसा फंसा सकता है। जानवरों को कोई भी उनकी खाने की चीज फंसा सकती है, ठीक है। तो हम जनरली इस प्रकार का यूज करते हैं। तो बेट टू अट्रैक्ट वाइल्ड एनिमल्स, एक ऐसा टुकड़ा या ऐसी कोई वस्तु है जो जंगली जानवरों को अट्रैक्ट करती है। जैसे हमें किसी मांस का टुकड़ा डाल दिया और किसी का शिकार करना है, तो मांस का टुकड़ा खाने आएगा, हम उसका शिकार कर लेंगे, हम उसको कैच कर लेंगे, पकड़ लेंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ल्योर का मतलब होता है। ल्योर, ल्योर का मतलब होता है लालच, प्रलोभन। अगर इसका सही ढंग से हिंदी का वर्ड देखें तो क्या होगा? प्रलोभन। नेगेटिव सेंस में वर्ड है, ध्यान रखिएगा। कौन से सेंस में वर्ड है? प्रलोभन या लालच, ठीक। अब यहां पे आता है एल्योरमेंट। इसका सिनोनिम्स क्या है? एल्योर। एल्योर का मतलब भी होता है लालच, एल्योर करना, किसी चीज को लालच करना। एल्योरमेंट नाउन के रूप में हो गया, एल्योर अगर वर्ब के रूप में होता है, एल्योर का मतलब क्या होता है? लालच करना, प्रलोभन देना, एल्योर। और एल्योरमेंट का मतलब होता है आपका लालच, एल्योरमेंट, ठीक है। एल्योरमेंट का मतलब होता है लालच। डिकॉय क्या होता है? डिकॉय, डिकॉय जस्ट सेंस ऑफ बेट, यानी डिकॉय का मतलब बेट के सेंस में आता है। डिकॉय का मतलब होता है एक ऐसी वस्तु जो किसी जंगली जानवर को फंसाने के लिए जो इस्तेमाल की जाती है उसको बोलते हैं डिकॉय, ठीक है। और वो बेट के सेंस में आता है। टेम्पटेशन लालच, बेट में बता ही चुका हूं। और अट्रैक्शन का मतलब होता है आकर्षण, भाई कोई चीज आपको आकर्षित करेगी, आकर्षित करेगी तो आप उसको पाने की लालसा में जाएंगे और पाने की लालसा में आप उसको कैच कर जाएंगे, पकड़ लेंगे उसको, ठीक है। और इसका एंटोनिम्स के बारे में बताते हैं। सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची, अगर आपको यह बता दे तो क्या होता है सिनोनिम्स? जिसको अपन सिमिलर वर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। और ए का मतलब होता है एंटोनिम्स, यानी एंटोनिम्स, यानी जिसको बोलते हैं यहां पे पर्यायवाची और विरुद्धार्थी, और सिमिलर की जगह यहां पे ऑपोजिट वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये इनके एकदम ऑपोजिट नहीं होते, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। अब यहां पे एल्योरमेंट का मतलब होगा लालच, तो लालच यहां पर आया है, तो डिसलाइक भी इसका हो सकता है। डिसलाइक का मतलब होता है लाइक करना और डिसलाइक करना, मतलब किसी चीज को पसंद करना। किसी ने आपको बोला कि लो ये आपको 10 रुपए देता हूं ये काम कर लीजिए, आपको 10 लाख रुपए देता हूं ये काम कर लीजिए, इसका मतलब होता है आप लाइक करोगे तो ये क्या होगा? वो आपका एल्योरमेंट में आ जाएगा, ल्योर में आ जाएगा। और डिसलाइक करोगे, आप मना कर दोगे, तो वो आपका ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। रिपल्जन, रिपल्जन क्या होता है? रिपल्जन बताइए। अरे प्रभु, अट्रैक्शन आकर्षण और रिपल्जन प्रतिकर्षण, आपने साइंस में पढ़ा होगा आकर्षण बल और विकर्षण बल, तो रिपल्जन क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, ठीक है, मतलब उसका जस्ट उल्टा। और एवर्जन का मतलब क्या होता है? ये जो डिसलाइक है ना, इस डिसलाइक का ये स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है, यानी एवर्जन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, किसी चीज से घृणा हो जाए, मतलब बहुत चीजें मुझे इस चीज से घृणा है, आई हैव एवर्जन, मुझे इससे घृणा है। आई जैसे हम बोलते हैं आई डोंट लाइक, बोलते हैं ना आप आई डोंट लाइक की जगह बोल देते हैं आप एवर्जन, तो आपका मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग डिसलाइक हो गया, बहुत ज्यादा किसी चीज से घृणा करते हैं हम, तो घृणा का ये शब्द हो गया एवर्जन, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास यहाँ पे इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आए, ठीक है। या वाइल्ड एनिमल्स, इसका सेंटेंस क्या है? द ल्योर ऑफ 1 करोड़, ल्योर ऑफ 1 करोड़ का मतलब होता है 1 करोड़ का प्रलोभन, 1 करोड़ का लालच, ये पूरा नाउन है आपका, ये पूरा नाउन है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आता है इस प्रकार से, ये पूरा एक नाउन है, इसी के अकॉर्डिंग यहां पर वर्ब इस्तेमाल होगी, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगी, इस प्रकार से। वैसे सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तो द ल्योर ऑफ 1 करोड़, यानी 1 करोड़ का जो प्रलोभन है, फोर्स्ड, उसने आपको मजबूर कर दिया। किसको मजबूर कर दिया? एक इंजीनियर को, एक इंजीनियर को 1 करोड़ के प्रलोभन ने मजबूर कर दिया टू लीक। लीक का मतलब होता है खोल देना, ओपन कर देना, बता देना, उजागर कर देना, ठीक है। द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, यानी संवेदनशील जानकारी को उल्लेख कर देना, उजागर कर देना, बता देना, पब्लिकली शो कर देना, इस प्रकार से क्या कर दिया? 1 करोड़ के प्रलोभन। देखिए यहां पे हम प्लॉट तैयार करते हैं कि जैसे कि आप एक कंपनी में इंजीनियर हो, उस कंपनी में आप इंजीनियर हो, और इंजीनियर क्या करता है? जनरली सीक्रेट इंफॉर्मेशन की, वहां पे पुल बनना है, वहां चीजें बननी है, वो सारी चीजें, ठीक है। तो इंजीनियर
इंजीनियर क्या करता है कि कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक कर देता है। कितने रुपए लिखा? 1 करोड़ रुपए लिखे। कैसे? तो थोड़ी देर के लिए कि आप एक इंजीनियर हो गवर्नमेंट कंपनी में, गवर्नमेंट इंजीनियर, और आपको पता है कि यहां यहां से रोड निकलने वाला है, रोड का प्रो हो गया, पूरी एक सेंसिटिव मीटिंग हुई, रोड हो गया। तो आपने क्या किया कि रोड 2 साल के बाद निकलने वाला है, तो आपने पड़ोस में किसी को बता दिया कि आपके यहां से रोड निकलने वाला है, तो क्या करोगे आप? वहां के आसपास की जमीनें खरीद लोगे। आपने क्या किया? सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या कर दी? लीक कर दी। कितने रुपए देखे? 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़। वहां के लोगों को, राजनेताओं को, पॉलिटिशियन को आपने कुछ बता के और उसको बाय दिए कि यहाँ पे वो जमीन क्या होगी। वहां पे लोगों को पता ही नहीं, किसानों की जमीन है उनको पता ही नहीं कि जो 5 लाख की जमीन है तो 50 लाख में बिक्री किसान दे देगा। पता चला कि वहां से 2 साल के बाद रोड निकला और वही जमीन अरबों रुपए की। ठीक है, तो वो क्या किया? द ल्यूर ऑफ 1 करोड़। 1 करोड़ की इंफॉर्मेशन, 1 करोड़ का लालच लेके एक इंजीनियर ने मजबूर हो गया। क्या हो गया? सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उसने लीक कर दी। ठीक है, तो यहां पर पहला वर्ड पड़ा। देखो बिल्कुल आंखें बंद करके सारी चीजों को याद रखिए। ल्योर, ल्योर का मतलब होता है लालच। समथिंग दैट टेम्प्ट्स, इंग्लिश वर्ड भी आपको याद रखना है, हमेशा ध्यान रखिए, समथिंग दैट टेम्प्ट्स। ठीक है, उसके बाद इसका क्या हो रहा है सिमिलर? एल्यूरेशन, एल्यूरमेंट, एल्यूरमेंट। डिकोय, डिकोय बेट के संदर्भ में आता है। टेम्पटेशन और अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का यहाँ पे हो गया डिसलाइक या फिर एवर्जन हो गया, और रिपल्शन इसका विकर्ष हो गया। तो इस प्रकार से इसके एंटोनिम सिनोनिम्स होकर वर्ड भी हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ पहला वर्ड आपको समझ में आया होगा। सेकंड वर्ड इसे मेकअप, मेकअप भी बोलते हैं, मेकअप ब्रे भी बोलते हैं इसको। देखो मेकअप ब्र ऐसा भी बोल सकते हैं इसको, मेकअप ब्र। ठीक है, और कभी कभी यहाँ पे ये साइन करके मेकअप भी बोला जाता है। ठीक है, प्रोनंसिएशन में बहुत सारे डिस्प्यूटेड है। प्रोनंसिएशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द प्रोनंसिएशन थ्योरी? ठीक है, आपका मुंह बिना किसी तकलीफ के किसी वर्ड को बोल दे, इट इज प्रोनंसिएशन, बस और कुछ नहीं है साहब। किसी चीज का प्रोनंसिएशन क्या है? उसको बोलने में आपको मुंह को तकलीफ नहीं होना चाहिए। प्रोनंसिएशन किसने बताया? ऊपर से कहता के वर्ड इसका प्रोनंसिएशन बोला नहीं, ये तो अच्छा ये वर्ड ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये रूट वर्ड है, कहीं ना कहीं से आया हुआ है, इनकी स्पेलिंग में फेरबदल नहीं कर सकते। पर हाँ, इनकी स्पेलिंग में फेरबदल, अच्छा यूएस तो कर ही लेता है, ब्रिटिश इंग्लिश में और यूएस की इंग्लिश में आपने देखा होगा इनके वर्ड में डिफरेंस होते हैं। हम यहाँ पे कलर की स्पेलिंग लिखते हैं COLOUR और वो लिखते हैं COLOR, क्या कर लोगे आपको? बहुत सारी जगह ब्रिटिश इंग्लिश और यूएस की इंग्लिश में डिफरेंस होता है। तो क्या होता है, मानव जब होता है अपने सहूलियत के हिसाब से, अपनी सुविधाओं के अनुसार से उनके प्रोनंसिएशन, उनकी स्पेलिंग को चेंज करता रहता है, पर जहां पर इनका रूट वर्ड वही रहेंगे इसलिए चेंज नहीं होते। मेकअप, मेकअप एक एडजेक्टिव के रूप में होता है। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन की विशेषता बताता है। द वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन, एक ऐसा शब्द जो किसी नाउन की विशेषता बताता है उसको बोलते हैं, जैसे कि राम इज ए स्मार्ट बॉय, तो स्मार्ट यहाँ पे क्या हो गया आपका एडजेक्टिव। राम इज ए गुड बॉय, राम यहाँ पे गुड क्या हो गया यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि वो किसकी विशेषता बता रहा है? राम की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेकअप एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मेकअप का मतलब क्या होता है पहले इंग्लिश मीनिंग पढ़े। डिस्टर्बिंग एंड हॉरिफाइंग, मतलब जो आपको बिल्कुल परेशान कर देती है, डिस्टर्ब कर देती है। डिस्टर्ब करना मतलब परेशान करना। एंड हॉरिफाइंग, हॉरिफाइंग का मतलब होता है डरा देता है। बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट विथ, जिस उसके कारण अगर आप उसमें इन्वॉल्व हो जाओ, उस चीज में घुस जाओ, बिल्कुल आंखें फाड़ फाड़ के देख लो, तो आपके अंदर क्या हो जाएगा, वो पूरी चीज आ जाएगी। और डेपिक्शन, डेपिक्शन का मतलब होता है वर्णन करना, डेपिक करना। ऑफ डेथ एंड इंजरी, अगर किसी की मृत्यु या किसी के अंदर चोट पहुंच गई, किसी को लग गई, अगर उसका वर्णन किया जाए तो आपको लगेगा ये सारी चीजें भयावह। जैसे हम कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं ना, हॉरर मूवी, वो हॉरर मूवी हमेशा क्या होती है, मेकअप मूवी होती है, जिसको बोलते हैं भयावह। उस प्रकार की आवाज आती है ना, ये भयावह आवाज आती है। जैसे अब वो आवाज आई, वो भूत आ रहा है, चुड़ैल आ रही है, इस प्रकार से सारी चीजें, तो ये भयावह। ठीक है, भयावह। गैस्ट्री, गैस्ट्री का मतलब भी यही होता है, भयावह। सिनिस्टर, सिनिस्टर का मतलब जैसे कोई चीज बहुत ही खतरनाक हो, उसको बोलते हैं सिनिस्टर, है ना। होरिबल, होरिबल तो सेम इसका, भयावह। फ्राइटफुल, डराने वाला। ड्रेडफुल, ड्रेड का मतलब वही भयानक, भयावह। तो ये फुल फुल जो लग रहा है इसमें एडजेक्टिव होती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। हम जब यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे ग्रामर पोर्शन में, तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि कई भी सारे शब्द जो होते हैं वो किस रूप में, कोई एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है,
कोई वर्ब के रूप में यूज हो रहा है वो आपको जानकारी जरूर होना चाहिए, जिससे हम हमारी ग्रामेटिकल पोर्शन में कहीं कोई गलती नहीं होगी। ये फुल फुल हमेशा जनरली ब्यूटीफुल, फ्राइटफुल, ग्रेटफुल, ठीक है, तो इस प्रकार से सारी चीजें क्या होती है, एडजेक्टिव होती है, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर इसका एंटोनिम्स ले लेते हैं, प्लीजेंट, प्लीजेंट मतलब सुखद, सुखदायक, डिलाइटफुल बिल्कुल एकदम शानदार, डिलाइट मन को भाने वाला, इंजॉयबल आनंदपूर्वक, ये सारी चीजें क्या है इसका उल्टा है, ठीक है। अगर हम किसी मूवी के बारे में कहें तो ये सारी चीजें ऊपर की कह सकते हैं, और किसी अच्छी मूवी के बारे में कहें तो ये सारी चीजें हम कह सकते हैं, द मूवी वॉज डिलाइटफुल, द मूवी वॉज इंजॉयबल, द मूवी वॉज प्लीजेंट, द सीन वॉज प्लीजेंट, द सीन वॉज डिलाइटफुल, द सीन वॉज इंजॉयबल, ठीक है, द मूवी वॉज इंजॉयबल। और यहाँ पर किसी भी मूवी के बारे में बोल सकते हैं हम, राज मूवी वॉज गैस्ट्री, सिनिस्टर, हॉरिबल, फ्राइटफुल, ड्रेडफुल। राज मूवी देखिए आपने, राज मूवी वाज मेकअप यानी उस मूवी का लास्ट जो सीन था वो क्या था, मेकअप था, यानी भयावह था, ठीक है, याद रखना चाहिए, बढ़िया शानदार ये सारी चीजें। एंड थर्ड वर्ड होमेज, होमेज का मतलब होता है स्पेशल रिक्वेस्ट और ऑनर, यहाँ पर कोई खासा आपको आग्रह किया जाए या सम्मान दिया जाए, शोन पब्लिकली, जो आपको पब्लिक में दिखाया जाए तो उसको बोलते हैं होमेज। होमेज का मतलब होता है श्रद्धांजलि, क्या होता है श्रद्धांजलि, होमेज का मतलब होता है श्रद्धांजलि, 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 ठीक है। जैसे कि इसका एक ट्रिब्यूट होता है वर्ड, आपने सुना ही होगा, स्टीम, स्टीम और ट्रिब्यूट हो सकता है, जैसे कि महात्मा गांधी की श्रद्धांजलि दी गई 2 अक्टूबर को, महात्मा गांधी की जी के पर उस पर जाके और श्रद्धांजलि दी, स्टीम दी। कंडेमनेशन का मतलब होता है श्रद्धांजलि इसका उल्टा, कंडेम करना, किसी का घृणा करना, किसी को उलाहना देना, किसी को उलाहना देना, नुकसान, क्रिटिसिज्म, आलोचना करना, तो इस प्रकार से इस सिनोनिम्स होगा इसका, ट्रिब्यूट और स्टीम इसके ट्रिब्यूट है, मतलब इसके सारे क्या है सिनोनिम्स है, और कंडेमनेशन या क्रिटिसिज्म इसके क्या है पर्यायवाची है, अपने एंटोनिम्स है, ठीक है। पे, अब यहाँ पे यूजेज इसका पीएम मोदी, हमारे जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, पे, पे का सेकंड फॉर्म है, पे का मतलब चुकाना, पर यहाँ पे अर्जित करना, अर्जन करना, किसी को सौंपना, समर्पित करना। पीएम मोदी पेड होमेज, होमेज का मतलब क्या हो रहा है श्रद्धांजलि देना। टू मार्टेस, मार्टेस का मतलब होता है शहीद, शहीद का मतलब होता है किसी भी मेन मकसद में अगर कोई आदमी मर जाता है, जैसे कि युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में कोई आदमी मर जाता है तो उस मर जाने वाले आदमी को बोलते हैं शहीद, यानी अपने देश की, अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए जब आदमी अपने प्राण न्योछावर कर देता है तो उसको क्या बोलते हैं, शहीद बोलते हैं। और फ्रीडम, फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 2019, यानी आजादी के जो शहीद लोग थे उन सबको 15 अगस्त 2019 को हमारे मोदी जी ने श्रद्धांजलि अर्पित करी, यानी पुष्प सुमन अर्पित किए, उनके बारे में कहा कि इन लोगों के कारण ही हम आज तक यहां पे जीवित हैं, वी आर अलाइव टुडे ड्यू टू मार्टेस ऑफ फ्रीडम, यानी शहीदों के जो आजादी में जो शहीद हुए थे उन्हीं के कारण हम आज यहाँ पे हैं, तो उनको क्या करी श्रद्धांजलि। तो यहाँ पे दो वर्ड है होमेज और एक और है मार्टेस, मतलब होता है शहीद, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने वोकैब में आज 3 वर्ड पढ़े, हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक दिन में 4 या 5 वर्ड पढ़े हम, और उसके बाद यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, वोकैब 3 भागों में बटी है, वोकैब में सबसे पहले है आपके पास वर्ड, क्या है वर्ड, अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आएगी आपके पास, देखिए मेरा कर देता हूं यहाँ पे, आपके पास जो वोकैब आएगी, वोकैब मतलब वोकैबुलरी, वोकैबुलरी बहुत इंक्रीज होना चाहिए आपकी, सबसे पहले आएगा वर्ड, बिल्कुल आप मेरे साथ, और सबसे इंपॉर्टेंट है कॉपी पेन कागज लेके बैठिए, ठीक है, आप आराम से लिखिए वर्ड, वर्ड के बाद आएगा आपके पास शब्द, इस शब्द में किसी का मीनिंग रहेगा, एंटोनिम्स रहेंगे, सिनोनिम्स रहेंगे और इसका यूज रहेगा, ठीक,
और उसके बाद किसी का वोकैबुलरी, वोकैबुलरी अगर शब्दकोश के रूप में अगर रहें तो शब्दकोश में रूप में रहेंगे तो हम यहां पे अगली जो चीज रहेगी वो रहेगी आपकी फ्रेज, आपका इडियम, प्रोवर्ब और फ्रेजल वर्ब, ये रहेगी ठीक है, जिसको बोलते हैं लोकोक्तियां, मुहावरे, छोटा उपवाक्यांश और फ्रेजल वर्ब। और उसके बाद एक और रहेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि हमने यहां पे लिखा हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास वोकैब जो रहेगी वो तीन भागों में डिवाइड रहेगी, सेकंड पार्ट रहेगा ग्रामर और थर्ड पार्ट रहेगा रीडिंग स्किल। इस प्रकार से हम ग्रामर में चलेंगे, यानी हम जब भी लेक्चर बनाएंगे तीनों अलग अलग बनाएंगे, तीनों मिक्स नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जब बहुत बड़ी बात है उसको एक ही बात कहा जाए, मैं भगवान को मानता हूं उसको एक ही बात कहा जाए कि वो आस्तिक है, भगवान को नहीं मानता है वो नास्तिक है, ठीक है। जो सर्वशक्तिमान हो मतलब उसको सर्वशक्तिमान बोल। तो इस प्रकार से यहां पे तो यहां पर हम पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है अनेकों के लिए एक शब्द, हिंदी में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब यहां पे शुरू करते हैं, आपने दो वर्ड पढ़े होंगे प्रीफिक्स और सफिक्स। प्री का मतलब होता है पहले लगता है और पहला लगता है उसको बोलते हैं उपसर्ग, और सफिक्स मतलब जो पीछे लगता है उसको बोलते हैं प्रत्यय। तो जनरली बहुत सारे जो वर्ड होते हैं वो प्रीफिक्स और सफिक्स से मिलकर बनते हैं, रूट वर्ड से बनते हैं। कई सारे जो एंटोनिम्स बनते हैं वो इन्हीं के कारण बनते हैं, कई सारे सिनोनिम्स बनते हैं वो इन्हीं के कारण बनते हैं। तो यहां पर एक होता है ओमनी, वर्ड कौन सा होता है ओमनी, एक गाड़ी भी होती है पता है आपको, आपने देखी होगी ओमनी गाड़ी होती है। ओमनी का मतलब होता है वो हर जगह पहुंच जाती है, ओमनी का मतलब क्या होता है एवरीवेयर, मतलब हर जगह यानी सर्व जिसके लिए होता है। ओमनी एक छोटी सी गाड़ी होती है, चलिए छोटी छोटी गलियों में भी चली जाती है, सब चली जाती है, फोर व्हीलर में एक ओमनी आती थी, ठीक है। देखो उस ओमनी का मतलब होता है सर्व, एवरीवेयर, हर जगह पहुंच जाती है। इसी ओमनी से हम आज तीन आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले है ओमनीप्रेजेंट, यानी सर्वव्याप्त, प्रेजेंट का मतलब होता है व्याप्त, यानी ओमनीप्रेजेंट यानी होता है सर्वव्याप्त, यानी हर जगह उपस्थित हो, जो चीज सब जगह उपस्थित हो, यानी वन दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो चीज सभी जगह उपस्थित हो उसको बोलते हैं सर्वव्याप्त। द वर्ड इज यूज्ड फॉर गॉड, ये वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए, कि भगवान सब जगह कण कण में भगवान है, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है ओमनीपोटेंट। ये पोलर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब होता है ये सारी विशेषता है, भगवान की विशेषताओं के बारे में कहा जाए। ओमनीपोटेंट, पोटेंट का मतलब होता है पावर, नहीं तो ओमनीपोटेंट का मतलब होता है जिसके अंदर सब पावर हो, सब पावर हो, वन हैविंग ऑल पावर्स, जिसके आदमी के पास सब शक्तियां हो उसको बोलते हैं ओमनीपोटेंट, और उसको बोलते हैं सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान यानी यहां पर जितने भी लोग हैं इस पूरी दुनिया में उनमें जो सबसे सर्वशक्तिमान होगा उसको बोलेंगे ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान। अब होता है ओमनीसेंट, स्पेलिंग इसकी ओमनी और सेंट, SCIENT, ओमनीसेंट, ओमनीसेंट को बोलते हैं वन हैविंग द नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, यानी जिसको हर चीज का ज्ञान हो, जो चल रहा है जीवन में सबका ज्ञान हो उसको बोलते हैं। तो उसके लिए वर्ड जो होता है वो होता है त्रिकालदर्शी, क्या होता है त्रिकालदर्शी, त्रिकालदर्शी का मतलब होता है जिसको तीनों लोकों का ज्ञान हो, मृत्यु लोक और उसमें सारी चीजों में जो जो भी चीजें हो रही है उन सबका ज्ञान हो उसको बोलते हैं त्रिकालदर्शी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहां पे आज वोकैब के बारे में सीखा, ठीक। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के सेशन में देखिए हमने ये पहला सेशन है हमारा इंग्लिश का, इससे पहले हमने हाउ टू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बारे में सेशन लिया था। उस सेशन उसको हम जीरो सेशन मानते हैं, इसको हम फर्स्ट सेशन मानते हैं। आज हमने तीन वर्ड पढ़े हैं और तीन पढ़े हैं हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके बारे में आपको कैसा लगा प्लीज, अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, अच्छे से अच्छी जगह अपने जो दोस्त मित्र हो सखा उन सबको बताइए, ठीक है। तो आज हम फिर एक बार छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं, रिविजन बहुत जरूरी, रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ल्योर वर्ड, ल्योर का मतलब होता है प्रलोभन, बेट, बेट उसके लिए आप लोगों ने यूज किया था, एल्यूरमेंट यूज किया था आप लोगों ने उसके लिए, अट्रैक्शन यूज किया था आप लोगों के लिए, और डिकोय यूज किया था, कौन से कितने वर्ड किए थे चार वर्ड।
एल्योर का एल्योरमेंट किया था, डिकोय किया था, एट्रैक्शन किया था, ठीक है, किया था और बेट किया था, ये चार वर्ड। और उसके बाद इसके एंटोनिम्स भी हमने किए थे, रिपल्सन किया था, डिसलाइक किया था, एवर्जन किया था, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे हो गए। और उसके बाद यहाँ पे दूसरा वर्ड आया था मेकअप। मेकअप मतलब होता है भयावह स्थिति के लिए आप उन्होंने यूज किया था, और इसके लिए सिनिस्टर, हॉरिबल, फ्राइटफुल, ड्रेडफुल, और इसकी जो प्लीजेंट, डिलाइटफुल और इंजॉयबल इसके सिनोनिम्स थे। द लास्ट सीन ऑफ द राजमूवी वाज मेकअप एंड लास्ट वर्ड इज होमेज, मतलब होता है श्रद्धांजलि यानी ट्रिब्यूट या स्टेट। इस प्रकार से आपने यहाँ पे मार्टिर शब्द भी पढ़ा। तो यहाँ पर आज हमने चार पांच ये वर्ड पढ़े, इनको अपनी डायरी में लिखिए और रोज ध्यान रखिएगा, हैबिट हैबिट हैबिट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मैक्स मैन परफेक्ट, यानी अभ्यासी किसी आदमी को सफल बनाता है, परिपूर्ण बनाता है। और यहाँ पे हमने पढ़ा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ओमनी शब्द से पढ़ा है, तो ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट और ओमनी सेंट, यानी सर्वव्याप्त, यानी जो होता है सर्वव्याप्त यानी हर जगह हो, और सर्वशक्तिमान और त्रिकादर्शी के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर लिखिए और हमें इनकरेज करिए। अब अगली बार हम मतलब इस सेशन के बाद हम ग्रामर के पोर्शन में आएंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर हम रीडिंग स्किल में। इस प्रकार से तीनों सेशन इस प्रकार से साथ में चलते रहेंगे, कोशिश रहेगी पर डे तीनों सेशन चले, पर डे तीनों सेशन चले, एक दिन एक सेशन नहीं चले, ठीक है। ओके, थैंक सो मच, जय हिंद जय भारत।